बताता हूँ कि ये फ्लो चार्ट कैसा है एनर्जी का। एक तरफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो आ रही है, दूसरी तरफ वो हरियाली में कन्वर्ट होती है। वो हरियाली गाय खाती है, गाय से दूध निकलता है, उससे दही और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये एक मैटर में कन्वर्जन है। जब आपने अल्बर्ट आइंस्टीन को सुना होगा या पढ़ा होगा E=mc², तो एनर्जी और मास का जो उन्होंने कन्वर्जन बताया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में, जब वो लाइट की वेलोसिटी के स्क्वायर में जाती है तब वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज। और ये अध्यात्म में हमारे इस तरीके से बातें पहले भी आयुर्वेद में कही गई हैं कि कैसे होता है। एक और इसमें अलग रूप होता है जिसमें कि एक फूल के ऊपर ये मधुमक्खी शहद नेक्टर सैप प्लांट सैप सक करती है और उसको नेक्टर या शहद के रूप में देती है। ये दो चीज हमारे आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, एक हनी और एक घी। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको अपने लेवल पे समझना है कि क्या आप अपने से कोई घी बना सकते हैं या शहद बना सकते हैं, चाशनी बना सकते हैं। लेकिन शहद जितना इम्पोर्टेंट चीज की जहाँ पे वो हम ये न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है ना। एक छोटा सा ऐसे एक सुनाता हूँ, चरी थी जो घास वन में, बन गया वो दूध गाय के थन में। ये मेथड ऑफ कन्वर्जन है ना, कि वहां से कहाँ से क्या चल रहा है, कहाँ से वो कन्वर्ट हो करके किस फॉर्म में वो दूध आप पी लेते हैं। दूध इज ए कम्प्लीट फूड, तो वो कम्प्लीट फूड आप ले लेते हैं। एक ये केमिकल स्टोरी लाइन का पेपर था, जब मैं पढ़ रहा था तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर मिला कि जब मैं तय करना हो कि एलिमेंट ऑफ लाइफ क्या क्या है। ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत हाई साइंस नहीं बताना चाहता हूँ, बेसिक से चलूंगा। ये एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर रेशियो में 60 किलो के आदमी में मौजूद होते हैं, जिसमें